वेलकम टू आवामी टाइम्स। मुंबई मराठी पत्रकार संघ में आज रोगण हक परिषद महाराष्ट्र प्रदेश मुंबई की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें रोगण के हक को लेकर के और अधिकारियों के हक को लेकर के चर्चा की गई। इसमें 2 अक्टूबर को भी धरना मोर्चा महामोर्चा का भी ऐलान किया गया। आज पत्रकार परिषद लेते हुए मेरे साथ मुंबई प्रदेशाध्यक्ष सुनील शेजवल जी है, हमारे सरचिटनीस आनंद शेट्टे साहब है, हमारे केंद्रीय कार्यालय सेक्रेटरी गिरीश घाग जी है और महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष चंद्रकांत सरोदे साहब है। ये पत्रकार परिषद में हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उनके विचारों को दोहराते हुए मुंबई के मंत्रालय के ऊपर महाराष्ट्र से आए हुए पूरे लोगों को, बहनों को, माताओं को लेकर उनके ऊपर हो रहे अत्याचार बलात्कारों के प्रश्नों से लेकर जो स्टूडेंट्स है, यहाँ के विद्यार्थी है, कामगार है, यहाँ के किसान है, ये सभी प्रश्नों के ऊपर हम हमारा आवाज़ बुलंद करने जा रहे हैं। इसमें महात्मा गांधी जी की विचारधारा है और शांतता, संवेदनशीलता और कानून का किसी भी तौर से भंग ना करते हुए शांतता के मार्ग से हम सेंट जेवियर्स कॉलेज से मंत्रालय तक हमारा मोर्चा दोहराएंगे और यह मोर्चा में हजारों लोग शामिल होने वाले हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ये आवाज़ उठाने वाले हैं। इसकी शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर से करने वाले हैं। मांगे क्या? हमारी मांगे ये है कि यही 2 सालों में और गए कुछ सालों में कोई भी मरीज हो, उनको जब भी हॉस्पिटल में जाना हो तो 2-4 लाख रुपए का डिपॉजिट भरो। अगर नई डिपॉजिट भरोगे तो उनके ऊपर ट्रीटमेंट रोक दी जाती है। अगर ट्रीटमेंट लेते समय दुर्दैवी घटना घट जाती है तब जब तक 2-4 लाख रुपए भरते नहीं तब तक डेड बॉडी दी जा नहीं सकती। ऐसे करके मरीजों के जो हक है, अधिकार है, उनका उल्लंघन दिन रात राज रोज चलता जा रहा है। इसके लिए फौजदारी संहिता का मतलब कानूनी तौर से रुग्णों का हक अधिकार का कानून बनना चाहिए, केंद्र सरकार की ओर से बनना चाहिए, राज्य सरकार की ओर से बनना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। इसमें महिलाओं की, माताओं के ऊपर जो अत्याचार बलात्कारों का सिलसिला चल रहा है, एक तो गुनहगारों के ऊपर पुलिस प्रशासन का कोई भी प्रभाव अभी बाकी नहीं रहा, गुनहगार पुलिस से डर नहीं रही, इसलिए 70 से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर बलात्कारों की घटना घटी। हम इसकी कड़ी निंदा करते हुए अगले कुछ दिनों में ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, बलात्कारों की न्यूज़ नहीं आने चाहिए, यह हमारी मांग दोहराते हुए हम ये प्रमुख मांग करने जा रही है। इसलिए हम मोर्चा का आयोजन करने वाले हैं। देखिए, आज हमारी पुलिस से बातचीत हुई, उसमें उन्होंने पेंडामिट एक्ट के अनुसार ज़्यादा लोग जमा ना कीजिए और मोर्चा को परमिशन नहीं मिलेगी, इसकी बात दोहराई है। लेकिन हमने कोविड में देखा जो नर्सों ने, डॉक्टर्स ने, जिनमें पीपी किट पहन के कोरोना नहीं होता ये दिखाते हुए लोगों की सेवा की और पीपी किट पहन के खुद को भी कोरोना से रोक लिया, दूसरों को भी नहीं होने दिया। इसलिए हम हजारों की संख्या से पीपीई किट पहनकर ये मोर्चा निकालने वाले हैं। बीच में आपने तो जिक्र किया था दलित मुस्लिम के बारे में, जिक्र किया था उसके बारे में आप कौन से मुस्लिम के बारे में? मागास हो गया सभी चीज़ें सामने लगा। गए कुछ दिनों में राजनीति का दौर देखते हुए एक दूसरों के भ्रष्टाचारों के केसेस निकालने का सिलसिला शुरू है। एक दूसरे के जो पक्ष है वो पक्ष के प्रतिमाओं और नेताओं के प्रतिमा मलिन करने के काम शुरू है, एक दूसरे के ऊपर आरोप करने के काम शुरू है। इसमें सर्वसामान्य जो नागरिक है उनके लिए जो काम करने चाहिए वो काम कोई भी पार्टी कर नहीं रही, ये हमारा इल्ज़ाम है, ये हकीकत है, ये यहाँ की वास्तविकता है। इसके दौरान जब हम देखते हैं कि लोग किससे परेशान हैं, यहाँ के हिंदू रहने दीजिए, यहाँ के दलित
अल्पसंख्यक मुस्लिम रहने दीजिए या और कोई जाति धर्म के लोग रहने दीजिए, सबको हॉस्पिटल में जाना है, सबको बच्चों को स्कूल की पढ़ाई लिखाई करनी है, सबको अब इन नौकरी की, सबको अब कुछ ना कुछ रोजगारों की ज़रूरत है। इसमें हिंदू मुस्लिम का सब जो एक दूसरे के तरफ झगड़े करने वाले बातचीत बाजू रख के सर्व सामान्य नागरिक जो कौन से भी जाति धर्म का हो उसको नौकरी मिलने चाहिए, उसकी घर की महिला सुरक्षित रहनी चाहिए और वो अस्पताल में जाने के टाइम उसको उसके हक अधिकारों के अनुसार ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और इसका हम मोर्चा में बड़ी संख्या से राज्य सरकार केंद्र सरकार को ये बताने वाले हैं। जैसे शुरू हुआ तब से लोगों ने हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन के बेड नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे, टॉसिली झुमप के इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे, कोई मेडिसिन नहीं मिल रही, इसलिए हमने काम किया। लेकिन आने वाली ये जो पिछले साल की ये साल की दूसरी लास्ट थी जो वेव थी उसमें जब लोगों को हमने बोलने के बावजूद भी हॉस्पिटल्स वालों से बोलने के बावजूद भी जब कोई बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था, तब हमने यहाँ के महापुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से पूना में कोविड हॉस्पिटल शुरू किया। उसमें मैंने मेरे खुद का घर गिरवी रखते हुए वो हॉस्पिटल शुरू किया और वहाँ किसी भी मरीज से एक रुपया भी ना लेते हुए 200-250 लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट दी। उसके बावजूद और हॉस्पिटल में जो कुछ कोविड के अलावा काम कर रहे थे, जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो, लीवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हो, बाईपास जैसी सर्जरी हो, उसमें बहुत सारे काम हमने किए हैं। साला कुठला धक्का लागणार नाही अशा पद्धतीने या शहरांची ओळख आहे। दिल्ली बदनाम आहे, दिल्लीला दुपारी 4 घटना घडतात, पण मुंबई आणि पुण्याच्या बाबतीमध्ये एक हमी आहे प्रत्येक पालकाला की आपली मुलगी पुण्या मुंबईला गेली आहे तर तिच्या केसालाही धक्का लागणार नाही। मात्र या ज्या काही 69 घटना कालपर्यंतच्या घडलेल्या आहेत ह्या सगळ्या घटनांमधल्या 75% घटना हे एकट्या पुणे आणि मुंबईतल्या आहेत। म्हणजे पुणे आणि मुंबईच्या बाबतीत जो शहराचा लौकिक होता तो सगळा ढासळलाय, तो सगळा खाली गेलाय। याला जबाबदार असणारी जी व्यवस्था आहे तर निश्चितपणे ती सरकार आहे, ही जबाबदारी सरकारची आहे। सरकारमधली पोलीस यंत्रणा कुठल्याही प्रकारच्या आरोपीला भीतीदायक ठरू शकलेली नाही म्हणून गुन्हेगार निर्ढावलेले आहेत आणि ते दिवसाढवळ्या इथल्या मुलींवरती हात टाकत आहेत। ही विकृती आहे, ह्या नराधमांना कुठली भीती राहिलेली नाही, ही दुसरी गोष्ट। तिसरी गोष्ट अशी आहे याच्यामधली की आपल्यापेक्षा जो कमकुवत आणि कमजोर असतो त्याच्यावरती अत्याचार आणि बलात्कार होतात। या सगळ्या घटनांमधलं 80% प्रमाण हे 10 कमी वयाच्या मुलींच्या बाबतीत घडलेलं आहे। 6 मुलगी, 4 मुलगी, 8 मुलगी, 10 मुलगी आणि पुण्यातल्या चाकणखेड राजगुरुनगरची 12 मुलगी आपल्यापेक्षा कमी ताकदीच्या, आपल्यापेक्षा कमकुवत अशाच मुलींना याच्यामध्ये टार्गेट केलं गेलेलं आहे। आणि 80% घटना या 16 खालील मुलींवर बाल लैंगिक अत्याचाराच्या अंतर्गत घडलेल्या आहेत। ज्यावेळी 35-40 जी स्त्री आहे ती ओरडू शकते, प्रतिकार करू शकते, परंतु ती देखील तितकी सुरक्षित राहिलेली नाही। आणि सर्वसामान्यांची लहान मुलं, आज आमची लहान मुलं घराबाहेर आम्ही अंगणात खेळायला पाठवायची नाहीत का? या सगळ्या गोष्टींना घाबरून आम्ही त्यांना दुकानामधून खाऊ घेऊ नये म्हणून सांगायचं नाही का? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। आणि गुन्हेगारांना पोलिसांची भीती राहिलेली नाही, हा एकमेव अंडरलाईन करून घेण्यासारखी गोष्ट आहे। आम्हाला वाटलं होतं अनिल देशमुख असताना काहीतरी गृह खात्यामध्ये काही अलबेल गोष्टी नव्हत्या, मात्र ते जाऊन वळसे पाटील आले तरीसुद्धा गृह खात्यामध्ये काहीच ठीक चाललेलं नाही। आणि त्या गृह खात्यावरचा सगळ्यात मोठा डाग म्हणजे ह्या बलात्काराच्या घडलेल्या 70% घटना आहेत। गृहमंत्री बदलून उपयोग होईल का आम्हाला माहीत नाही, मात्र हे बलात्कार थांबवले गेले पाहिजेत। आमच्या घरातल्या मुलींची, आया बहिणींची इज्जत यापुढे जाता कामा नये, यासाठी आम्ही संतप्त आहोत,
आमच्या भावना तीव्र आहेत आणि 2 ऑक्टोबरला आम्ही रस्त्यावर उतरून त्या संतप्त भावना सरकारसमोर मांडणार आहोत. मोर्चाची वेळ सकाळी आम्ही 11 वाजता सुरुवात करू. आमच्या अंदाजानं आम्ही 20 मिनिटांमध्ये इथपर्यंत येऊ. साहेब मला हे सांगा, तुम्ही 13 मागण्या संपली आहे आणि राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार तुमची 2-3 मागण्या पूर्ण करणार. 2-3 मागण्या पूर्ण करणार.